दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है और आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो जब भी आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को इन चार ऑप्शन के बारे में अच्छी तरह से पता होगा डिटेल में, लेकिन आज की वीडियो केवल उनके लिए होने वाली है जिनको इन चार ऑप्शन के बारे में डिटेल में नहीं पता। तो अगर आपको भी इन चार ऑप्शन को डिटेल के बारे में नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, स्किप ना करें, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करें। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पब्लिक का। यहाँ पर पब्लिक के ठीक नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एनीवन कैन सर्च फॉर एंड व्यू। तो इस ऑप्शन का ये मतलब है, अगर आप अपनी वीडियो को पब्लिक करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी वीडियो को कोई भी सर्च कर सकता है और कोई भी आपकी वीडियो को देख सकता है। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है अनलिस्टेड का। यहाँ पर अनलिस्टेड के ठीक नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवन विद द लिंक कैन व्यू। तो इस ऑप्शन का ये मतलब है, जब भी आप वीडियो को अनलिस्टेड पे रखेंगे तो केवल वही लोग आपकी वीडियो को देख पाएंगे जिनके पास आपकी वीडियो का लिंक होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आपने वीडियो को पहले पब्लिक करा लेकिन आपने कुछ दिनों के बाद अनलिस्टेड में कर दिया उस वीडियो को, केवल वही लोग आपकी वीडियो को देख पाएंगे जिनके पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन गया होगा। जब पब्लिक हुई थी वीडियो तो उस टाइम जो नोटिफिकेशन के थ्रू आपका वीडियो गया था आपकी ऑडियंस के पास, तो केवल वही लोग वीडियो को देख पाएंगे, वो भी नोटिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि नोटिफिकेशन के थ्रू उनके पास लिंक चला गया आपकी वीडियो, तो केवल वही लोग देख पाएंगे। और एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे समझ लीजिए, आपने किसी से स्पॉन्सरशिप लिया तो वो बंदा कह रहा है कि जब आप वीडियो बना लेंगे तब मैं आपको पैसे दूंगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप पहले वीडियो बना लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। तो जब आप अपलोड करेंगे तब आप उसको पब्लिक ना करें, तब आप उसको अनलिस्टेड में रखें। जब आप अनलिस्टेड में रखेंगे तब उसके बाद आप उस वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिए, कि उसको बोल दीजिए कि मैंने वीडियो का जो लिंक है शेयर कर दिया, आप एक बार पहले वीडियो को चेक कर लीजिए, अगर उसके हिसाब से उसको वीडियो ठीक लगी तब उसको आप बोल दीजिए कि आप पहले मुझे पैसे दे दीजिए, तब मैं आपकी जो वीडियो है उसको पब्लिक कर दूंगा। तो उस केस में भी आप उसको अनलिस्टेड में रखें। अब जो अगला ऑप्शन है वो है प्राइवेट का। तो ये भी ऑप्शन आपको पहले से पता होगा। इस ऑप्शन का मतलब ये है, अगर आप अपनी वीडियो को प्राइवेट पर रखते हैं तो केवल आप ही अपनी वीडियो को देख सकते हैं और आपके अलावा कोई और आपकी वीडियो को नहीं देख सकता। जैसा अगर आप वीडियो को पहले आपने पब्लिक करा लेकिन बाद में आपको लग रहा है कि इसको मुझे प्राइवेट करने की जरूरत है, तो अगर आप उस वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं बाद में तो केवल आप ही उस वीडियो को देख पाएंगे और आपके अलावा कोई भी आपकी वीडियो को नहीं देख पाएगा। अब जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है शेड्यूल का। शेड्यूल ऑप्शन जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब आपको अपनी वीडियो को कोई एक फिक्स टाइम पे वीडियो को अपलोड करना है तब आप अपनी वीडियो को शेड्यूल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देकर समझाते हैं, जैसे आप समझ लीजिए आप शाम के 7 बजे अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन आ गया कि आप उस टाइम शाम के 7 बजे, आपको पता है कि मैं शाम के 7 बजे मैं बिजी रहूंगा, वीडियो को अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या करेंगे, आप उससे कुछ समय पहले आप अपनी वीडियो को अपलोड कर देंगे और जब भी आप अपलोड करेंगे तब आप शेड्यूल कर देंगे। वहां से शेड्यूल में जाकर डेट और टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप डेट और टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे आप 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं शाम के, तो आप शाम के 7 बजे का टाइम सिलेक्ट कर लेंगे और शेड्यूल कर देंगे, तो जो आपकी वीडियो है वो ऑटोमेटिकली शाम के 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। जो भी आपने टाइम सिलेक्ट कर रखा होगा उस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो आपकी वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये चारों ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आ गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी।